हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और आज हमें ज्वाइन किया है वसीम अल्ताफ साहब ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो लाजमी फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कश्मीर इशू के हवाले से। इंडिया की जानिब से हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कोई टेबल टॉक नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानियों के साथ, और पाकिस्तानी फिर कैसे पीछे रह सकते हैं। पाकिस्तानी की जानिब से भी जो है वो रिस्पांस किया गया कि हम जो है वो टेबल टॉक करेंगे, इस तरह ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। कश्मीर इशू, मसला कश्मीर कैसे हल होगा सर, बताएं। कोई बात करना चाहता है तो कोई बात नहीं करना चाहता, और ये मसला कब मसला जो है नहीं रहेगा। देखिए जी, बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आ चुके, उनके प्राइम मिनिस्टर्स भी आए यहाँ पे, वाजपेयी जी खुद चल के आए यहाँ पे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ पे आए लाहौर में, और हमारे उनके साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे, और कश्मीर का जो इशू था उस पर बातचीत हो रही थी और होती रही। लेकिन जब आप बातचीत करते हैं तो फिर आप अपनी बात भी करते हैं और दूसरे की बात सुनते भी हैं, और हर चीज़ आपकी आपकी टर्म्स पे नहीं होती कि आप कहें जी कि कश्मीर का इशू इस तरह से हल होना चाहिए। एक तरफ आप शिमला एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें यह तय हो गया था कि अब ये एक बायलैटरल इशू होगा, पाकिस्तान और इंडिया का इशू होगा, ये आपस में मिल बैठ के तय करेंगे, और दूसरी तरफ आप बार बार अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों की भी बात करते हैं। आप ये देखिए कि जो शिमला एग्रीमेंट था उसके बाद अक्वामे मुत्तहिदा की जो भी करारदाद थी वो इरेलेवेंट हो गई थी। आपने ये वहां पे जाके एग्री किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, आपके एक प्राइम मिनिस्टर गए थे और ये तय हुआ था कि अब ये मसला आपस में मिल बैठ के तय करेंगे। तो बात ये है कि इंडिया की तरफ से कोशिश होती रही, आप उसको सीरियसली नहीं लेते रहे, आप हर चीज अपनी टर्म्स पे मनवाने की कोशिश करते रहे, 10 साल तक आप वहां पे दहशतगर्द भेजते रहे। तो अब आप कहें जी कि कश्मीर का मसला जो है वो आप आके हल करें, तो इस तरह नहीं होता। इंडिया ने अब खरा जवाब दे दिया है इनको। 2019 में इंडिया ने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का एक हिस्सा बना दिया, अब वो इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट है। अब इंडिया उस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, और ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि वो जिस कश्मीर की आप बात करते हैं वो इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा है, और इंसर्जेंसी जो आपने स्पॉन्सर की हुई थी वो भी अब अपनी मौत आप मर चुकी है। इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं जिस पे वो आसानी से इंडियन स्टेट कंट्रोल कर लेती है। तो अब आप इंडिया से कश्मीर की बात करना छोड़ दें, अब आप तिजारत की बात करें, अब आप अच्छे रिलेशंस बनाने की बात करें, अब आप उनके साथ जहां आप उनकी मिन्नतें करते हैं कि क्रिकेट टीम भेजें यहां पे, तो आप उनको ये भी कहें कि यार अपने सकाफती तायफे भेजें यहां पे, अपने सिंगर्स को भेजें, अपने एक्टर्स को भेजें, अपने साइंटिस्ट्स को भेजें, हम वहां भेजते हैं, अपने एकेडमिशियंस को भेजें, अपने जो स्कॉलर्स हैं उनको भेजें, हम भी भेजते हैं। तो इस लेवल पे इंडिया से तल्लुकात बेहतर बनाएं, इंडिया के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को स्ट्रेंथन करें। इंडिया का जो स्टेटस है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकग्नाइज करें, अच्छे हमसायों की तरह रहें, अच्छे हमसायों की तरह बिहेव करें, अच्छा हमसाया अपने आप को साबित करें। इंडिया के साथ जितने भी सॉफ्ट एरियाज हैं उन पे तावन को बढ़ोतरी दें, तो फिर हो सकता है किसी स्टेज पे
जो कश्मीर का जो सेंसिटिव इशू है उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें तय हो जाएं। लेकिन मेरा ख्याल ये है, अगर आप मौजूदा अपनी पॉलिसी के साथ जहाँ पे आप इंडिया को थ्रेट्स भी देते रहे वहाँ पे आप, और एक तरफ आप ये भी आपके फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी इंडिया के साथ तिजारत करने का कोई इरादा नहीं, तो फिर इंडिया का भी आपके साथ कश्मीर पे बात करने का कोई इरादा नहीं। तो इस चीज़ को समझें और ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें और देखें कि दुनिया में इंडिया कहाँ पे खड़ा है और आप कहाँ पे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। जीरबा। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि हमने टाइम पे आके ये कहा था कि ट्रेड नहीं होगी, ये इमरान खान साहब की तब गवर्नमेंट चल रही थी, ट्रेड नहीं होगी, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है काफ़ी जो है वो मसले मसाइल का शिकार है। अब तक 2024 आ गया है कि और ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। तो सर चलें, हर कंट्री के किसी ना किसी बात पर तनाज़े तो होते हैं, क्या हमें उस टाइम ये ट्रेड खत्म करना, क्या हमारा हमारे प्राइम मिनिस्टर का सही फैसला था? बिल्कुल गलत फैसला था। देखिए, इंडिया और चाइना के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, कई ऐसे एरियाज हैं जिनमें इख्तलाफात हैं, कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं गलवान के इलाके में, लेकिन इसके बावजूद $1 अरब से ज़्यादा का तिजारती हजम मौजूद है इंडिया और चाइना की ट्रेड का। तो इसी तरह और बहुत से मुल्क हैं जिनके दरमियान बहुत से तनाजात चल रहे हैं, लेकिन ट्रेड को उन्होंने कभी इफेक्ट नहीं होने दिया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये इमरान खान के दौर में यहाँ तक हुआ था कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे उन्होंने अनाउंस तक कर दिया था कि हम इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देने जा रहे हैं और उसके साथ हम मुकम्मल तजारती रवाबत बहाल करने जा रहे हैं। हम्माद अजहर ने कह दिया था, और क्या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी ने, जो रिटायर्ड हमारे सफीर थे, बिल्कुल चले हुए कारतूस, उन सब को बुला लिया फॉरेन ऑफिस में और उनको कहा जी आप बताएं जी ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना चाहिए या नहीं। तो ये सब लोग वहां पे आ गए, ये चले हुए कारतूस, और इन्होंने कहा जी नहीं जी नहीं, ये ना करें, ऐसे ना करें, कश्मीर का मसला है, ये है वो है। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कह दिया कि जी ना जी ना, ना करें जी ना करें, और इमरान खान ने अगले ही दिन, यानी अनाउंस कर चुका है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, और अगले दिन आपने कह दिया जी कि हम तो तिजारत नहीं कर रहे, ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। एक तो ये हुआ, फिर इवन ये इस मार्च में इसहाक डार ने कहा कि हम तिजारत शुरू कर रहे हैं इंडिया के साथ, और 3-4 दिन बाद फॉरेन ऑफिस ने बयान दे दिया कि इस किस्म की कोई तजवीज जेरे गौर नहीं है। तो अब बात यह है कि नुकसान तो इनको हो रहा है, यानी अगर आप इंडिया से लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवा रहे हैं और मंगवाने में कोई आर नहीं है आपको, आप अपने मरीजों को यहाँ से इंडिया भेज रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसमें भी कोई आपको कोई मसला नहीं है, तो यार तिजारत भी शुरू कर दें, प्याज भी मंगवा लें, टमाटर भी मंगवा लें, सस्ते मिलेंगे आपको, साइकिलें मंगवा लें, की अपनी चीज़ें यहाँ से वहाँ भेजें, इतनी बड़ी 1 अरब 40 करोड़ की मार्केट मिल रही है आपको, आंखें खोलें, किधर जा रहे हैं आप, दुनिया में पूछता कौन है आपको, शुरू करें यार तिजारत शुरू करें इंडिया के साथ, और वफद भेजें वहां पे, उन्हें कहें जी तिजारत ही शुरू कर लें आप, कम से कम हम कश्मीर अभी फिलहाल बात नहीं करते आपके साथ, कश्मीर की अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा, मुल्क के जो हालात हैं वो दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं किस तरफ जा रहा है मुल्क, कहाँ जा रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, इंसर्जेंसी है मुल्क के अंदर, आवाम पिस चुकी है बिल्कुल, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे रियासत बिखर रही है, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, यार इसको एक साइड पे रख दें फिलहाल,
और मुल्क के जो बाकी हालात हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी रबाह। अच्छा सर, बात अब हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि पिछले काफ़ी प्रोटेस्ट चलता रहा कश्मीरियों का पाकिस्तान में, और उसके बाद जो यूनिट यानी कि बिजली उनको इतनी महंगी मिल रही थी, उस प्रोटेस्ट के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको पर यूनिट जो है वो 3 रुपये देने शुरू कर दिए, यानी कि उनकी डिमांड पूरी फुलफ़िल हो गई। तो सर इससे तो कश्मीरियों का जो है वो फ़ायदा है, इवन कि हम पंजाब में रहकर जो है बड़ी महंगी बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड है कि उनको सस्ती बिजली मिल रही है। तो सर आप इस पर क्या कहेंगे कि हम कश्मीर को अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हैं, हमने उनकी डिमांड्स भी पूरी फुलफिल कर दी हैं, तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं इसका फ्यूचर? देखिए जी, डिसकंटेंटमेंट तो है ना वहाँ पे। आप पाकिस्तान वाले कश्मीर की अगर बात कर रही हैं तो अभी भी आप ये बिल्कुल ना समझें कि वहाँ पे लोग मुतमिन हैं। हमारी जो यहाँ हुकूमत होती है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है वहाँ के मामलात में, वहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, रियासती इदारों की इंटरफेरेंस बेपनाह है वहाँ पर। तो वो जो कश्मीरी हैं वो बज़ाहिर तो हम उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं लेकिन वो कतई तौर पे आज़ाद नहीं है। वहाँ पे बहुत गहरा अमल दखल है हमारी यहाँ की हुकूमत का, और हमारे जो रियासती इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं वहाँ के मामलात में। तो जब आप, हालांकि अलहदा स्टेट है वो, तो ऑटोनमी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी एक तरफ हम कहते हैं जी कि कश्मीर जो है वो आज़ाद है, और दूसरी तरफ आपने वहाँ पे इतना ज़्यादा अपना अमल दखल रखा हुआ है कि आप हुकूमतों को गिराते हैं, बनाते हैं, आप वहाँ पे लोगों को उठा लेते हैं। ये अभी आप देखें ना, वो एक शायर जिनको उठा लिया गया, और फिर जी अस्मा बतूल को भी रिसेंट, हाँ उनको भी, उनके अलावा वो जो ये पिंडी से उठाया और फिर आज़ाद कश्मीर में ले गए और फिर वहाँ पे उन पे केस एक दर्ज कर दिया गया। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं ना। तो ठीक है, वो कुछ इश्यूज हुए, उनके कुछ मसाइल थे, उन्होंने प्रोटेस्ट की, फिर उनको रिलीफ दिया गया, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो लोग मुतमिन हैं यहाँ अब कश्मीर से। वो जब देखते हैं कि इंडिया में इतनी, इंडियन कश्मीर में इतनी तरक्की हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, रेलवे लाइन बिछ रही है, हाईवेज बन रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, टूरिज़म फ्लरिश कर रहा है, आवाम में खुशहाली आ रही है, तो वो फिर अपनी हालत देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो ज़ाहिर है कि मुतमिन तो नहीं है वो इससे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए और बेहतर तौर पे हैंडल करना चाहिए जो भी कश्मीर के मामलात हैं उन्हें। जी रिवा। बिल्कुल सर। सर फ्यूचर में कभी आप इसका हल निकलते हुए देख सकते हैं, मतलब आने वाले आने वाले दिनों में तो कोई अभी फिलहाल हल नजर नहीं आ रहा। जब तक के पाकिस्तान के अंदर कोई एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने वाली हुकूमत नहीं होती, रियलिस्टिक अप्रोच रखने वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, और लोग अपने जाती और अपने इदाराती मफादात से उठ के ऊपर मुल्की जो मफादात हैं उनको प्रमोट नहीं करते। जी सर, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं? जी मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करें और जो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है उससे बाहर निकलें। दुनिया कहाँ जा रही है, हमसाया ममालिक के साथ बेहतर तल्लुकात कायम करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, उनका नुकसान इतना नहीं है। अगर आप उनके साथ तल्लुकात ख़राब रखेंगे, नुकसान आपका है, और तल्लुकात बेहतर बनाएंगे तो फ़ायदा आपका है। तल्लुकात बेहतर बनाएं, अपने आप को इंटेग्रेट करें, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी बंद करें, अपने मुल्क के ऊपर फोकस करें, मुल्की
मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसका कुछ इदराक करें, कुछ ख्याल करें और मुल्क को मुआशी खुशहाली की तरफ लेके जाएं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं। जो माशरती बेचैनी है वो कम होगी इससे, लोग आप के जो इस मुल्क के बासी हैं वो उनके ऊपर फोकस करें और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें जो भी इस वक्त इक्तदार में हैं। और जो दूसरे मामलात हैं, गजा में क्या हो रहा है और बर्मा में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को बैक बर्नर पे डाल दें। ये मसाइल जो हैं दुनिया में जो कुछ हो रहे हैं, ये ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना आपके अख्तियार में है, ना आपको कोई कोई अहमियत देता है इनके हवाले से। आप अपने मुल्क की मामलात पे फोकस करें और मुल्क की मामलात का हल निकालने की कोशिश करें, मैं यही कहूँगा जी। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ वसीम सर के पेज को भी फॉलो कीजिए। उनके या उनके पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।